हरियाणा उदय के तहत विभिन्न गांवों में सांसद ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निवारण के निर्देश दिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं वरन विश्व के नेता हैं। वे हमेशा से विकासवादी सोच के प्रबल समर्थक रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पहले जहां चीन बॉर्डर तक सेना के पहुंचने में घंटों लगते थे, वहीं अब अच्छे मार्ग बनने से रास्ते सुगम हो गए हैं, जिससे सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है और सेना अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए गए हैं। पच्चीस सितंबर से मैं इस महेंद्रगढ़ में उन्हें लोकसभा के आज शायद ये छठा दिन है, छह दिन मेरे पूरे हो गए। 25 तारीख से लगातार मैं कभी 5 कभी 7 कभी 9 इतने गांव में जाता हूं और कोशिश यही है कि जो समस्याएं हैं क्षेत्रीय समस्याएं जिनको हम सुलझा सकते हैं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गांव के अंदर ही, कुछ समस्याएं प्रदेश स्तर की हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की हैं और जो प्रदेश स्तर की हैं उनकी सभी जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं। खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में शिल्प समागम मेले का आयोजन हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने भव्य मेले का उद्घाटन किया। 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य 18 राज्यों के 75 अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लाभार्थियों से अपने उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री के साथ मार्केटिंग के लिए बड़ा मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। साथ ही लखनऊ वासियों से मेले में अधिक से अधिक खरीदारी करने की अपील की गई है। और हमारे देश से खिलौनों का निर्यात आज अमेरिका और जापान को भी हो रहा है। आज अमेरिका के बच्चे भी भारत में बने हुए खिलौने से वहां पर खेल रहे हैं। क्या हम इस शिल्प समागम मेले के माध्यम से हम अपने घर के बच्चों के लिए और उनके लिए हम क्या खिलौने खरीदने का काम नहीं कर सकते? क्या हम अपनी माताओं बहनों के लिए साड़ी और सलवार सूट लेने का काम हम नहीं कर सकते? दीपावली का समय आ रहा, हम अपने घर के दरवाजे पर हम कालीन बिछाते हैं, जो डोरमेट बिछाते हैं वो लेने का काम हम नहीं कर सकते? हरियाणा में शेड्यूल कास्ट को कैटेगरी ए और बी में भी 20% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान की थी। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं, जहां आपके कई मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जिस पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि आप पार्टी तो घोटाले की बाप पार्टी है। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि देश का अमन और चैन छीनने वाले लोगों के मुंह पर ये शब्द शोभा नहीं देते। केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ अनिल विज ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अब जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि जब तक वो सत्ता में रह रहे हैं उन्हें जाति जनगणना के लिए लोगों के लिए क्या कुछ किया है। नेता के मुंह से आ रहे हैं जो
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी। अब कंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर जेल में जा रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए कि ये पार्टी क्या गोल्स और क्या टारगेट लेकर सत्ता में आई थी। अब ये बार बार कहते हैं कि सरकार ने जबरदस्ती पकड़ लिया, तो कोर्ट ने आपको रिमांड दिया, वो क्यों दिया? कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की और एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रकृति आपदा के समय हरियाणा को पानी लेने की बात कहने पर भी कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की बातें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का चयन करना सही नहीं है। वो पुराने समय में कॉमेडियन रहे हैं, उसका शायद उसका ही असर है। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने प्रकृति आपदा के समय किया, इस विषय पर राजनीति को छोड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानकर पंजाब सरकार हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दे। अब आप पंजाब में बैठे हैं तो अब कहते हैं पानी करने, पानी पाकिस्तान में चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी हरियाणा में चले जाएगा तो दिक्कत है। अब ये नहीं समझता कौन सा विचार है उनके पास, किस विचार से वो काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार की पॉलिटिक्स है वहां की, अब वो ये कहना कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं, हमने सरप्लस मांगी ही नहीं है उनसे कभी भी। हम कह रहे हैं जो हमारे हिस्से का पानी है, हम इकट्ठे थे एक दिन सारा पंजाब था, हम उसमें से अलग है, पंजाब है तो हमारा एक हिस्सा बैठा था, उस हिस्से का फैसला हम करने के लिए कह रहे हैं। और उस हिस्से का फैसला अगर पंजाब से कहेंगे वो फैसला करें तो शायद नहीं कर सकता, हमें कोई कहेगा हम भी नहीं कर सकते, शायद हम कुछ ज्यादा मांग लें, शायद पंजाब कुछ कम देना चाहे, लेकिन फैसला तीसरा करेगा और तीसरा है कोर्ट, और साहब के फैसले कोर्ट करा दो तो कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो मानना चाहिए। नू विधानसभा क्षेत्र के गांव देवला नगली में परिवहन मंत्री हरियाणा मूलचंद शर्मा ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका निवारण करते हुए अधिकारियों को ग्रामीण की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरियाणा में अवैध खनन खुलवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के मेवात के इलाके में मीनिंग हो रही है और हरियाणा के मेवात में मीनिंग बंद है। खनन मंत्री ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से कहा है कि हरियाणा के इस क्षेत्र में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जब राजस्थान में अवैध खनन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो सेट हरियाणा के मेवात में भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। मानना है कि राजस्थान का जो मेवात का इलाका है आज माइनिंग हो ओपन, और मेवात का इलाका जो हरियाणा का है वहाँ माइनिंग बंद है। हम चाहते हैं कि दोनों की सीम मिली हुई है और दोनों का सीम पर विवाद भी रहता है कि कहीं हरियाणा में कहीं यूपी में इस तरह की माइनिंग के हमें बहुत तरह के होते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से कहा है कि यहाँ पर ना तो पर्यावरण का इस तरह का है, ना कोई दूसरा कोई पर्यावरण को नुकसान होता है, जो राजस्थान में नहीं हो रहा था हमारे इसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं है, और जल्दी से जल्दी हम रखेंगे कि अपने हरियाणा में माइनिंग हो, और जितने रोड राजस्थान से चलते हैं जितना नुकसान रोडों को होता है, जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका नुकसान होता है, अगर हरियाणा में माइनिंग मेवात के क्षेत्र में माइनिंग होती है इससे रोडों का मिला लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान के अजमेर में जेल में बंद मोनू मानेसर को पटौदी में हत्या के प्रयास के एक मामले में पटौदी
ने मोनू को पटौदी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे दो घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा, जिसके बाद करीब दोपहर 1 बजे मोनू मानेसर को फिर से कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसमें माननीय अदालत ने मोनू मानेसर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आज कस्बा नारनौद में जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम ने शहर में बनने वाली नई सड़क के निर्माण का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। शहर में बनने वाली इस 4 लेन सड़क पर 11 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस मौके पर शहर के गणमान्य व्यक्ति और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीडब्ल्यू विभाग के अनिल नरवाल ने कहा कि विधायक राजकुमार गौतम ने नारियल तोड़कर सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कस्बे के अंदर सड़क टूट चुकी थी, जिसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर 11 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत आएगी और लगभग 6 महीने में बनकर ये सड़क तैयार हो जाएगी। नई सड़क जो है बहुत दिन से खस्ता हाल में थी, 13 करोड़ रुपया मंजूर किया है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। ठेकेदार भी यहाँ है, महकमे के सारे एक्सीएन एफपीओ सब यहाँ है और गांव के भी जो जागरूक सिटीजन है काफी है। एक नारियल हमने बुलवाया है विधायक रामकुमार गौतम जी से नारनौद के अंदर, भी काफी पुरानी डिमांड थी लोगों की कि जो शहर का पोर्शन है वो नीचा था है, और जब भी इसमें ये बिटुमिनस रोड बनती थी तो टूट जाती थी जल्दी, क्योंकि इसका जो लेवल था वो नीचे था। तो अभी हमने इसको सीसी रोड के लिए हमने इसको प्रपोज किया था, कंक्रीट रोड का, तो ऑलमोस्ट 1.5 फुट ऊपर हो गए, अभी हम दोबारा बना। थैंक यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और किरण चौधरी तो शाम अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों के समक्ष बाजरा खरीद में आ रही परेशानियों को रखा। किसानों का कहना था कि उनकी फसल मंडी में पड़ी है, अधिकारी उनकी बाजरे की पूरी फसल खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से 7 क्विंटल बाजरा खरीद का आश्वासन दिया जा रहा है और खरीद भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। किरण चौधरी ने किसानों की समस्याओं पर सहमति जताते हुए कहा कि किसानों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है, वर्तमान सरकार का रवैया पूरी तरह किसान विरोधी है, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, उनकी फसल एमएसपी पर भी नहीं बिक रही है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। के अंदर जब धरातल पे आके देखो हाल जो है बदहाल जो है, किसानों का हाल खराब है। अब क्या, अभी मैं आज इसलिए आई देखने के लिए कि हो क्या रहा है, जरा पता तो करें। तो यहाँ पे अभी किसान भाइयों ने बताया कि जो 8 क्विंटल था पहले प्रति एकड़, 8 से घटाकर पहले तो 7 क्विंटल कर दिया, ऐसे ही हुआ है ना भैया? तो 8 क्विंटल से 7 क्विंटल घट गया, तो मतलब एक किसान का 1 एकड़ के अंदर औसतन 10 क्विंटल जो है वो उसका जो है उपज होती है, तो बाकी जो है उसका जो है 7, फिर आप ये सोच लो 4-5 क्विंटल जो उसका जो रह गया है वो 4.25 दाम पे बेच सकते हैं। अम्बाला कैंट पंजाबी गुरुद्वारा पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। गुरुद्वारा साहिब में आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। दो पक्षों में विवाद का मामला
एडमिनिस्ट्रेट में पहुंच गया और आज दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेट ने पंजाबी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और दोनों पक्षों की बात को सुना। इस मौके पर उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 दिन का टाइम दिया और उसके बाद दोबारा से 15 दिन बाद आकर दोनों पक्षों की बात सुनने को कही। वहीं हालांकि उनके इस सामने पक्षों को कहा सुनी भी देखने को मिली। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बनाए गए एडमिनिस्ट्रेट से मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पक्षों के विवाद में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने सुना था कि दोनों पक्षों में थोड़ा सा विवाद था, लेकिन ये विवाद इतना नहीं बड़ा था। उन्होंने कहा कि गुरु प्रेमी ने डीआर रजिस्ट्रार के पास पिटीशन डाली थी और पिटीशन पिछले 1.5 साल से पेंडिंग थी। वहां पर 30 सितंबर को उसकी हेयरिंग होनी थी। वहीं डीआरओ साहब ने मुझे यहां समस्या को सॉल्व करने और चुनाव करने के लिए 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेट बनाया है और इसी सिलसिले में मैं यहां गुरुद्वारा साहिब के सभी मेंबर से बात करने के लिए यहां आया था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट था आपस में, कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं था, तो यहां पर एक किसी गुरु प्रेमी ने डीआर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अंबाला के पास एक पिटीशन डाली थी और वो पिटीशन आई थिंक पिछले 1.5 ईयर से वो पेंडिंग थी वहां पर। तो 30 सितंबर को उस पिटीशन की हियरिंग थी और उस हियरिंग के समय पर बाई द वे मैं भी अपने किसी गांव से वहां डीआर ऑफिस में आया हुआ था। हाँ, तो मैं भी वहां पर आया हुआ था। तो डीआर साहब ने, क्योंकि मेरा नाम था उनके पास पोर्टल पर, तो डीआर साहब ने मुझे यहां का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और यहां के इलेक्शन करने के लिए मुझे 6 मंथ के लिए एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर अपॉइंट किया। भी साढ़ा किसी नाल किसी प्रकार का कोई ना कभी झगड़ा होया और ना सी, अनफॉर्चुनेटली कोई थोड़ी बहुत कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कोई गल है और ये जो भी होया वो भी साढ़े वीर ने साढ़े नाल ने सब, ऐसी कोई गल नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और ऐसी कोई गल नहीं है। जो उन्होंने अकाउंट कोई चीज है जो मर्जी देख पारदर्शी है तो उन्होंने दसिया ही है। भिवानी में घंटाघर पर एक होमगार्ड ने भाई बहन के साथ मारपीट की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार भाई बहन अपने घर जा रहे थे, तभी ये घटना घटी। वहीं दो अंजलि विशाल का आरोप है कि तैश में आने के बाद होमगार्ड ने दोनों को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसके पांव तक पकड़े, लेकिन होमगार्ड ने उन्हें मारने से नहीं रुका। उन्होंने आरोप लगाया कि वहीं चैंबर में सब इंस्पेक्टर भी बैठा था, लेकिन वे उठकर नहीं आए। बाद में उन्होंने 112 पर फोन किया, उसके बाद 112 की टीम आई और मामला शांत कराया। फादर कॉलेज में जा रहे थे तो ना मेरे भाई मेरे को लेने आया था, कोई आते ना बाइक लेके जा रहे थे, बाइक लेके जा रहे थे तो किसने बोला कि रुक जाओ, हम रुकने को भी गए, अचानक सर आके इसको ना बहुत मारे, मेरे को भी मारने लगा, फिर वहाँ पे डांट भी ली, फिर भी सर मेरे भाई ने पैर पकड़े, मैंने भी पकड़े, माफी मांगी, फिर भी ना इसको बहुत ज्यादा मारे। पुलिस आ रहे थे, काम जा रहा था गाँव करके, तो इन्होंने क्या मारपीट की, मारपीट की है गुंडा बनाया असली, अभी चश्मा भी नहीं उतर रहा उसका और कह रहा है गलती मान लिया अपनी, चश्मा भी आकर दिखा रहा है अभी। अगली खबर कालावाली से है, जहां किसानों ने मार्केट कमेटी का बंद कर दिया और बताया जा रहा है कि धान की खरीद ना होने के कारण किसानों ने ये गेट बंद किया। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के नियमों के अनुसार धान की खरीद की जाएगी। जाखल जंक्शन उत्तर भारत का पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है, क्योंकि यहां हजारों यात्री देश के विभिन्न राज्यों में आवागमन करते हैं और एक रूट से आकर दूसरे रूट की गाड़ी यहां पकड़ते हैं। परंतु सुविधाओं की बात करें तो जाखल जंक्शन
सबसे पिछड़ा स्टेशन नजर आता है, जहां पर यात्री और रेलवे कर्मचारियों को भी सुविधाएं नहीं मिल रही। रेलवे प्रशासन के द्वारा जाखल जंक्शन को कई बार कई विकास योजनाओं में शामिल किया गया, लेकिन जिसमें स्टेशन की लंबाई बढ़ाने और सुलभ शौचालय, ओवरब्रिज, लिफ्ट, वेंडिंग मशीन, वेटिंग रूम की टिकट खरीदारी और आदि अनेकों सुविधाओं देने का दावा किया गया, परंतु ये दावे सभी जाखल जंक्शन पर कैसे धरातल पर उतरेंगे इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जाखल पर लगभग कई वर्षों से अनेकों कार्य लंबित पड़े हैं। पिता ने अपनी बच्ची के साथ 3 वर्ष से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को फांसी की सजा दी। आपको बता दें कि नाबालिग के गर्भवती होने के बाद बच्चे को जन्म देने के उपरांत परवरिश के लिए बच्चे को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। वहीं नाबालिग बच्ची ने अपने साथ हुए दुष्कर्म को लेकर दादा दादी को सारी बात बताई थी। मामले में पॉस्को एक्ट के तहत 2020 में महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें प्रशांत राणा की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। नूह में एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़ी ने नूह की पहाड़ियों में बिजली के खंभे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव के सरपंच जफर ने कहा कि रोहित अपने ही समाज की संजू नाम की लड़की से प्यार करता था और परिवार वालों से उससे शादी करने के लिए बार बार दबाव बना रहा था, जबकि रोहित की पहले ही शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी है। लेकिन 4 अक्टूबर को वो उस लड़की को लेकर घर से फरार हो गया और उसने दोनों ने मिलकर आत्महत्या कर ली। मामला ये था, ये लड़का जो है मेरा भतीजा है, खास इसके पिताजी की डेट होगी 2 साल की। एक अमेजोन कंपनी ने माउंट के पास यहाँ पुणे जी उसमें एक काम करता था और वहाँ कोई लड़की है। अब उनका प्रेम प्रसंग है क्या है तो भगवान जाने। तो ये घर आया है तो घर से चलो वो है और हमें आज ही सूचना मिली है कि आपका लड़का जो है वहाँ लटका मिल रहा है, सुसाइड कर लिया है। ये जो थाना सदर तावड़ू का क्षेत्र पड़ता है सीरको पहाड़ी में, 2 बॉडियां एक बिजली के खंभे से रस्सी से फांसी लगा रखी थी, जो दोनों सूचना मिलने पर दोनों डेड बॉडियों को उतार करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। आगे जैसी भी बात होगी कार्रवाई मांग रहा है। तो शाम क्षेत्र के गांव नीम राना में पहुंचे दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मकड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ दिव्यांगों को लाभ देने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा राज्य दिव्यांग जन आयोग के आयुक्त राजकुमार मकड़ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार दिव्यांगों के हितों को सुरक्षित रखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदान करने में अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही हैं। दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत तुषाम क्षेत्र की लगभग तमाम ग्राम पंचायतों के दिव्यांगजन, उनके अभिभावक, सामाजिक रूप से सक्रिय लोग और पंचायतों के प्रतिनिधियों के बीच में दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाकर उनकी समस्याएं लेकर सुनी गई, अपितु मौके पर ही सरकारी अधिकारी जो यहाँ उपस्थित थे उनके माध्यम से समाधान करवाया गया है।
हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर योजना चलाई, जहां योजनाओं का असर सीधा किसानों पर दिखाई देने लगा है। किसान तेजी से फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपना रहे हैं, वहीं पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही इस बार जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि पराली में आग लगने की घटनाओं में कमी दर्ज कैसे की जाएगी।